तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक Asus TUF Gaming A15 सीरीज का लैपटॉप। और अगर बात करें इस लैपटॉप की तो काफ़ी पावरफुल लैपटॉप है। इसके अंदर Ryzen 9 सीरीज का प्रोसेसर दिया हुआ है, 16 GB इसकी मेमोरी है, 512 GB का इसके अंदर NVMe SSD इंस्टॉल्ड है और इसके अंदर आपको 6 GB का DDR6 3060 का नॉर्मल ग्राफिक कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। और इसका जो डिस्प्ले है वो भी गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि इसके अंदर आपको 144Hz का डिस्प्ले मिल जाता है। तो अभी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये लैपटॉप तो काफ़ी पावरफुल है, मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा स्पेसिफिकेशंस इसका। ये जो लैपटॉप है इसका मॉडल नंबर आपको बता देता हूँ, इसका मॉडल नंबर है FA506QM-HN124W। और ये जो लैपटॉप है इसके अंदर आपको विंडोज 11 का प्री इंस्टॉल्ड वर्जन मिलेगा। और अगर आप इस लैपटॉप को परचेस करना चाहते हो तो अभी इसका करंट प्राइस चालू है 1 लाख। अगर आप इसको अमेजोन पे चेक करोगे तो आपको ये लैपटॉप 1 लाख के आसपास मिल जाएगा। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस और एंड में बात करेंगे कि इस लैपटॉप को बाई करना वर्थ है या नहीं। तो देखिए कुछ इस तरीके की पैकिंग में आ जाता है लैपटॉप। वाइट कलर के कवर में हमको हमारा लैपटॉप मिल जाता है और इसके साथ में थोड़ी यूज़र गाइड और डॉक्यूमेंटेशन आ जाते हैं। और इसके साथ में मिल जाता है आपको एक काफ़ी बड़ा सा 200 वाट का पावर एडप्टर, काफ़ी हैवी पावर एडप्टर है ये। और लेफ्ट हैंड साइड में इसके अंदर आपको पावर कॉर्ड मिल जाता है। और इसके अलावा अभी बॉक्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी ही चीज़ थी जो लैपटॉप के साथ में आपको मिलती है। तो अब कर लेते हैं इस लैपटॉप को कवर से रिमूव और देखते हैं इस लैपटॉप का फर्स्ट इम्प्रेशन। वाह, काफ़ी सही लग रहा है, ब्लैक कलर का लैपटॉप है। और जैसे ही आप इसको कवर से रिमूव करोगे आपको सेंटर में TUF Gaming की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो अब करते हैं इसकी लीड ओपन, ट्राई करता हूँ एक हाथ से लीड ओपन होती है या नहीं। एक हाथ से इजिली इसका लीड ओपन हो गया, आप देख सकते हो। और जैसा कि आपने देखा मैंने इसका लीड एक हाथ से ओपन कर दिया, तो इसकी हिंजिस भी काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अच्छी हिंजिस है। अगर हिंजिस अच्छी नहीं होती तो एक हाथ से लीड ओपन नहीं होती। और यहाँ आप इसके बैक पैनल पर देख सकते हो काफ़ी सारी एयर वेंट्स दी हुई हैं। तो इसके अंदर आपको 2 CPU फैन इंस्टॉल मिलते हैं, इसलिए इसके अंदर आपको 2 एयर वेंट्स देखने के लिए मिलेगी। और इसका ये बैक पैनल आप देख सकते हो, यहाँ पर भी काफ़ी सारी एयर वेंट्स दी हुई हैं। और एयर वेंट्स के नीचे मिल जाते हैं आपको 2 इसके स्पीकर्स। तो बेसिकली इसके अंदर आपको एक स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है और आप इसको DTS सॉफ्टवेयर के यूज़ से मैनेज भी कर सकते हो। और बाकी अगर बात करें इस लैपटॉप के वेट की तो इसका वेट है 2.30 kg। और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर Asus TUF Gaming A15 सीरीज़ की कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको 83 ब्लेड का फ़ैन मिल जाता है और इसका जो रैम का फ्रिक्वेंसी वो 3200 MHz है। ऐसी काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपको NVIDIA GeForce RTX का लोगो मिल जाता है जो कि इसके अंदर GPU यूज़ हुआ है। और यहाँ लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको AMD Ryzen 9 सीरीज़ का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ इसके डिस्प्ले पे देखोगे तो यहाँ पर ही आपको देखिए 144Hz का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। और इसके साथ में स्लैश करके एडेप्टिव सिंक लिखा है, तो ये जो डिस्प्ले 144Hz का डिस्प्ले और ये डिस्प्ले एडेप्टिव सिंक के साथ आता है। और यहाँ सेंटर में आप देख सकते हो Asus की ब्रांडिंग दी हुई है। और वहाँ राइट हैंड साइड में लास्ट में आप देख सकते हो वहाँ पर Ryzen 5000 सीरीज़ का लोगो दिया हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ 8 कोर्स। तो ये जो प्रोसेसर है ये Ryzen 9 सीरीज़ का प्रोसेसर है और ये 8 कोर्स के साथ आता है। तो अब चेक कर लेते हैं इसके पोर्ट्स, किसके अंदर इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मिल जाता है आपको एक पावर जैक, उसके बगल में मिल जाता है आपको एक लैन पोर्ट, उसके बगल में मिल जाता है आपको एक HDMI पोर्ट और उसके बगल में मिल जाती है आपको 2 USB 3.2 जनरेशन का टाइप ए का पोर्ट और उसके बगल में मिल जाता है आपको USB 3.2 जनरेशन का टाइप सी का पोर्ट और सबसे लास्ट में मिल जाता है आपको हेडफोन और माइक का कॉम्बो जैक। तो अगर बात करें इसके सेकेंडरी साइड के पोर्ट्स के बारे में तो यहाँ पर कुछ खास दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही USB मिलता है, वो भी 3.2 जनरेशन का टाइप ए का पोर्ट है। और उसके बाद में मिल जाती है आपको एक और एयर वेंट्स, तो इसके अंदर काफ़ी सारे एयर वेंट्स दिए हुए हैं और सबसे लास्ट में मिल जाता है आपको एक सेफ्टी लॉक। तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर आपको 15.6 इंचेस का 1920x1080p का IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। और इसके डिस्प्ले की sRGB वैल्यू है 62.6% और इसकी एडॉप की वैल्यू है 47.34%। और इस डिस्प्ले की सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि इसका जो रिफ्रेश रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो डिस्प्ले है ये आपको 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो अगर आप इसके अंदर कुछ गेमिंग करने वाले हो या अगर आप कुछ डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने वाले हो तो इसके अंदर आपको क्लियरिटी काफ़ी सही मिलेगी।
स्पेशली अगर आप इसके अंदर गेमिंग करने वाले हो फिर तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और ये जो डिस्प्ले है ये एडेप्टिव सिंक को भी सपोर्ट करता है और ये ऑप्टिमस के साथ आता है। तो अगर आपको एडेप्टिव सिंक के बारे में नहीं पता है तो आप अभी गूगल कर लीजिए, आपको वहाँ सारी डिटेल मिल जाएगी। और ये रहा इसका वेबकैम टेस्ट, इसके अंदर 720p का HD वेबकैम इंस्टॉल्ड है और आप इसकी वीडियो के क्वालिटी से जज कर सकते हो इसका कैमरा कैसा है। और इसका जो माइक है वो AI नॉइस कैंसिलेशन वाले माइक है, तो इसकी ऑडियो की क्वालिटी से आप ये जज कर लेना कि इसका माइक कैसा है। वैसे आसूस के लैपटॉप के वेबकैम इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन ये टफ गेमिंग के वेब कैमरे में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने। तो बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के ऑडियो के बारे में। अब मैं इसके अंदर आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ, उससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। अभी तक जितना भी इसके अंदर मैंने ऑडियो सुना, ऑडियो की क्वालिटी मेरे को काफ़ी सही लगी। इसके अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स यूज़ किए हैं, इसकी ऑडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसका लाउडनेस लेवल भी ठीक ठाक है। और इसके अंदर जो इसका ऑडियो का आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी क्लियर है। तो अब एक नज़र इसके कीबोर्ड और इसके टचपैड पर मार लेते हैं। तो बात करते हैं इसके कीबोर्ड के बारे में। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है और इसके अंदर आपको RGB का सपोर्ट मिल जाता है। और अगर बात करें इसके कीबोर्ड के क्लिक्स की तो इसके क्लिक्स काफ़ी अच्छे हैं और इसको यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपकी फिंगर्स ऑयली है तो ईजिली आपको इसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स देखने के लिए मिल जाएगी, तो ये चीज़ सही नहीं लगी मेरे को। और अगर बात करें इसके टचपैड की तो इसका टचपैड काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपको एक टचपैड देखने के लिए मिल जाता है। और ये मल्टी टच और बहुत सारे जेस्टर्स को सपोर्ट करता है और इसके जो क्लिक्स हैं वो भी डेडिकेटेड है, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक यहाँ पर आपको डेडिकेटेड देखने के लिए मिल जाता है। तो मेरे को इसका कीबोर्ड और इसका टचपैड काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पावर बटन देखने के लिए मिल जाता है, वो भी एक डिजाइन शेप में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल इसका टचपैड और इसका कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इस लैपटॉप के अंदर आपको Ryzen 9 का प्रोसेसर इंस्टॉल मिल जाता है और ये जो प्रोसेसर है ये 5900HX सीरीज़ का प्रोसेसर है। और ये जो प्रोसेसर ये 3.2 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ आता है और इसका मैक्स बूस्ट है 4.4 GHz। और अगर बात करें इसकी L3 कैश मेमोरी की तो इसके अंदर आपको 16 MB का L3 कैश मेमोरी देखने के लिए मिल जाता है और ये जो प्रोसेसर है ये 8 कोर्स का प्रोसेसर है। और अगर बात करें इसकी रैम की तो इसके अंदर आपको 16 GB का DDR4 रैम देखने के लिए मिल जाता है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 3200 MHz। और अगर बात करें इसकी स्टोरेज की तो इसके अंदर आपको 512 GB का PCI NVMe SSD देखने के लिए मिल जाता है जो कि PCI NVMe SSD का वर्जन 4 है। और अगर बात करें इसके GPU की तो इसके अंदर आपको 6 GB का DDR6 NVIDIA GeForce RTX वाला ग्राफिक कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अंदर आपको जो NVIDIA GeForce RTX का 3060 वाला GPU मिलता है ये लैपटॉप सीरीज़ का है, आप इसको डेस्कटॉप वाले से कंपेयर मत करना, डेस्कटॉप वाला ज़्यादा बेटर रहता है। तो भाई इसका जो स्पेसिफिकेशन से काफ़ी डिसेंट है, गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसके अंदर गेमिंग वगैरह करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में। तो मैंने यहाँ पर 2-3 बेंचमार्क के सॉफ्टवेयर रन किए हैं ताकि इसका बेंचमार्क वैल्यू मिल जाए, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। तो अगर बात करें इसके बैटरी की तो इसके अंदर आपको एक काफ़ी पावरफुल 90 वॉट आवर्स का 4 सेल का लिथियम आयन का बैटरी देखने के लिए मिल जाता है जिसको अगर आप चार्ज करोगे तो ये 2 घंटे के आसपास आपका फुल बैटरी चार्ज हो जाएगा। और अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करोगे तो इसका बैटरी आपको 6 से 7 घंटे का बैकअप देगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर गेम के लिए यूज़ करोगे या आप कोई दूसरे हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो इसका बैटरी 2 से 3 घंटे के आसपास लो हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर कोई हैवी गेमिंग कर दोगे, GTA 5 जैसे कोई अगर आप इसके ऊपर गेम प्ले कर दोगे तो ये 2 घंटे के आसपास इसका पूरा बैटरी ड्रेन हो जाएगा। वहीं अगर आप सिर्फ ब्राउजिंग के लिए यूज़ करोगे या MS ऑफिस पे या कोई और सॉफ्टवेयर पे वर्क करोगे तो इसका बैटरी आपको काफ़ी अच्छा बैकअप देगा। और अगर बात करें इस लैपटॉप के कनेक्टिविटी के बारे में तो इसके अंदर आपको वाईफाई का वर्जन 6 देखने के लिए मिल जाता है और इसके साथ में आपको इसके अंदर ब्लूटूथ का वर्जन 5.2 देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप इसको विंडोज़ अपडेट आएगा या अगर इसके अंदर आप कुछ विंडोज़ अपडेट करते हो तो इसका जो ब्लूटूथ का वर्जन है वो भी विंडोज़ के अपडेट के साथ चेंज हो सकता है। तो मान लीजिए फ्यूचर में अगर ब्लूटूथ 6 आता है, अगर आप इसका वर्जन अपग्रेड करोगे तो ब्लूटूथ 6 हो जाएगा। ये सिर्फ एग्जांपल था। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर सबसे पहले आपको विंडोज़ 11 का प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिल जाता है
इसके अंदर आपको विंडोज 11 का प्री इंस्टॉल्ड वर्जन मिलेगा, तो आपको कोई इसके अंदर पायरेटेड विंडोज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ में इसके अंदर आपको आर्मरी क्रिएट का सॉफ्टवेयर मिल जाता है, इसके थ्रू आप इसकी RGB मैनेज कर सकते हो, इसके फैंस मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर और मिल जाता है आपको DTS अल्ट्रा, इसके थ्रू आप इसका ऑडियो मैनेज कर सकते हो। और ये जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब देख रहे हो, इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती तो है, लेकिन इसके अंदर MS 365 का आपको सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप ये लैपटॉप परचेस करते हो तो आपको इसके साथ में MS Office परचेस करना पड़ेगा। और ये सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे लैपटॉप मिलेंगे जिसके अंदर आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, MS Office 2019 होम एंड स्टूडेंट, लेकिन इस वाले वेरियंट में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है। और इसके साथ में यहाँ पर आपको एक एंटीवायरस का सपोर्ट मिल जाता है इसके अंदर। इस लैपटॉप के अंदर आपको मैक कैफ़े का भी सपोर्ट मिल जाता है 1 ईयर का, तो मेरे को उतना कुछ खास अच्छा लगता नहीं है मैक कैफ़े, तो इसलिए मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे राइजन के लैपटॉप देखने के लिए मिल जाएंगे। और अभी जो मैंने करंट में अनबॉक्स किया वो राइजन 9 वाला ये लैपटॉप है। मैंने तीनों को काफ़ी अच्छे से कंपेयर करके देखा है, काफ़ी अच्छे से यूज़ करके देखा है, लेकिन तीनों में से मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा राइजन 9 ही लगा। सीधी सी बात है, सबसे महंगा लैपटॉप है तो परफॉर्मेंस भी तो अच्छी होगी ना। और अभी तक मैंने इसको जितना भी यूज़ किया मेरे को पर्सनली लैपटॉप काफ़ी सही लगा है। तो इस लैपटॉप के अंदर मैंने काफ़ी सारे हैवी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए, इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ किया, जरा भी लैग का प्रॉब्लम नहीं आया, काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है। अगर आपका बजट कुछ 50,000 के आसपास है, 60,000 के आसपास है, तो आप राइजन 5 वाला बाई करिए। अगर आपका 70 से 80 के बीच में है तो ये वाला बाई कर लीजिए। और अगर आपका बजट 1,00,000 के आसपास है तो आप राइजन 9 वाला बाई करिए। तीनों लैपटॉप मैंने यूज़ करके देखा, तीनों लैपटॉप मेरे को काफ़ी सही लगे, काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। और अगर आप ये लैपटॉप गेमिंग के लिए बाई करना चाहते हो तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आप लैपटॉप परचेस करोगे उसका जो डिस्प्ले रहेगा वो 144Hz के आसपास वाला लेना। तो भाई अगर ये लैपटॉप आपको बाई करना है राइजन 9 वाला, डेफिनेटली बाई करिए, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है और ये मेरे को काफ़ी सही लगा है। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए लैपटॉप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।